अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाना सिखा रही हूँ गरम मसाले की रेसिपी। ईद आ रही है तो गरम मसाला जो है हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है ज़ीरा। ज़ीरा मेरे पास है एक कप भर के इस तरीके से। साथ मैंने लिए है जायफल और जावित्री इस तरीके से, तकरीबन थोड़ी थोड़ी 8 से 7 छोटी वाली हरी इलायची ली है मैंने। फुल बादियान लिए हैं 2, लौंग लिए 1 चम्मच यानी 1 टीस्पून भर के, और दालचीनी लिए थोड़ी सी, बड़ी इलायची लिए हैं 8 से 10, काली मिर्च ली है 1 टेबल स्पून भर के। तो ये सारी चीज़ें हम गरम मसाले में पीसेंगे। सबसे पहले हम इन सब चीज़ों को रोस्ट करेंगे। पहले जो है सारे गरम मसाले को रोस्ट कर लेंगे ज़ीरे के अलावा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना बाकी ये थोड़ी देर में फ्राई होंगी और ज़ीरा जल्दी हो जाता है रोस्ट। 1 से 2 मिनट इन्हें रोस्ट करने के बाद फिर हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे जब थोड़ी अच्छी सी स्मेल आने लग जाएगी। तो यहाँ देखें ये फ्राई हो गए हैं, अब ज़ीरा डाल देंगे, इसे भी दोबारा से रोस्ट करेंगे। इन सब चीज़ों को उस वक्त तक भूनना है जब तक कि अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। जब अच्छी अच्छी खुशबू आने लग जाएगी तो समझ जाइएगा कि गर्म मसाला जो है अच्छे से भुन चुका है। गरम मसाला जो है वो हर चीज़ में ही डलता है, बिरयानी हो, सालन हो, कोई भी हो सब्ज़ी। तो इसे आप बना के रख लें आराम से और यकीन करें कि इस इतना अच्छा जायका आएगा इस वाले गरम मसाले का। आप लोग एक दफ़ा बनाएं और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने ट्राई किया है या नहीं। तो ये देखें ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी और अब हम इसे ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसे पीसेंगे। आपने गरम गरम नहीं पीसना है, इसको बिल्कुल ठंडा करके पीसना है। ठंडा जैसे ही हो जाएगा तो इसको जब आप हाथ में पकड़ेंगे ना तो ये क्रिस्पी क्रिस्पी सा लगेगा। तो इस तरीके से पंखे के नीचे आप इसे ठंडा कर लें और चम्मच चलाते रहें। तो 2 से 3 मिनट में ये ठंडा हो गया है, अब हम इसे पीस लेते हैं। तो एक हमने यहाँ ब्लेंडर जग जार लिया है, इसमें हम ये सारा डाल देंगे। इसका जो है आपने पाउडर नहीं बनाया ना, थोड़ा तो दरदरा सा रखना है। तो अब हम इसे पीस लेंगे। दो से तीन मिनट में अच्छे से पीस हो जाएगा। तो यहाँ देखें इसे हमने पीस लिया इस तरीके से। अब इसे हम एक जार में या बॉटल में डाल लें ताकि ये सेफ रहे। एयर टाइट जार आपने लेना है, उसमें इस तरीके से फुल करके इसे कवर करके रख दें और पूरी ईद आराम से गरम मसाला इंजॉय करें। तो देखा कितनी आसान तरीके से और कितना ज़बरदस्त हमने बनाया है गरम मसाला घर पर। तो आप लोग भी ट्राई करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। फिर लेकर आऊँगी नई वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।